नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेशन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक सुरेशन। दोस्तों, यहां हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई जो भी नई अपडेट होती है वो आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, और जो लोग नए हैं वो आइकॉन बेल जरूर प्रेस करना ताकि हमारा जो भी नया नोटिफिकेशन होता है वो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों तक पहुंच जाए और आप उसका भरपूर फायदा उठा सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में RCJ इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में हम बताने वाले हैं। RCJ ऑटो रिक्शा पेट्रोल, डीजल और CNG में भी उपलब्ध है। दोस्तों, इस ऑटो रिक्शा के फ्रंट में 10 इंच के मजबूत टायर के ऊपर एक हेडलैम्प, साइड में दो इंडिकेटर और उनके बीच कंपनी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है यहाँ पर। वहीं फ्रंट में ही एक लंबी चौड़ी वाइंडशील्ड और एक लॉन्ग वाइपर जो बारिश के दिनों में ड्राइवर भाइयों की विजिबिलिटी को कम नहीं होने देता है। साइड में दो ग्लास और एक बीचों बीच रिफ्लेक्टर पट्टी दी गई है। ड्राइवर सीट पर भी अच्छा खासा स्पेस यहां देखने को मिल जाता है। एक हैंडल बार जिसमें लेफ्ट हैंड पर लाइट हॉर्न आदि के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, वहीं राइट हैंड पर स्पीड मोड आदि के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। एक शानदार डैशबोर्ड और स्पीडोमीटर भी यहां देखने को मिल जाता है, जिसमें आप अपनी फ्यूल स्पीड आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पैसेंजर सीट पर भी एक अच्छा खासा लेगरूम के साथ स्पेस और एक मजबूत प्लेटफॉर्म, साइड में हैंडल देखने को यहाँ मिल जाते हैं। बैक में दो लाइट, कंपनी की ब्रांडिंग भी देखने को यहाँ मिल जाती है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए, अब हम इसके कुछ खास फीचर्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे। यह इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लीड एसिड बैटरी और लिथियम आयन बैटरी से लैस है दोस्तों, यानी दोनों ही ऑप्शन में आप इसको परचेज कर सकते हो। इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की अगर रेंज की बात करें तो दोस्तों 110 किलोमीटर इसकी रेंज है। वहीं अगर टॉप स्पीड की बात करें तो 25 किलोमीटर पर आवर की इसकी टॉप स्पीड है। पैसेंजर कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें 4+1 पैसेंजर कैपेसिटी है और 200 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस है। 20 इंच मोटर की हाइट, बैक में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन और फ्रंट हाइड्रोलिक ब्रेक। मोटर की अगर हम बात करें तो DC 48V 24 ट्यूब, और अगर बैटरी की बात करें तो 48V 80A 48V और 100A में यह इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा उपलब्ध है। साथ ही साथ चार्जर 220V 50 हर्ट्ज, इसके साथ साथ हेलिकल स्प्रिंग, हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर, ट्रेलिंग आर्म स्प्रिंग सिस्टम यहां देखने को मिल जाता है। वहीं डायमेंशन की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें 2800, 990 और 1720 mm में इसका डायमेंशन दिया गया है। लिथियम बैटरी के साथ दोस्तों यह 3 से 4 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। इसमें सिंगल हेडलैम्प 35 वाट का दिया गया है, हॉर्न 12V DC, बेहतर पिकअप और शक्तिशाली प्रदर्शन और सड़क पर आरामदायक सवारी यह इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा प्रदान करता है। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए दोस्तों हमने इसमें कंपनी का फ़ोन नंबर दे दिया है, आप बाकी की इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ EMI से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी हो तो हमने उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर आप इसके आसानी से EMI कैलकुलेट कर सकते हो। अब दोस्तों इसके हम प्राइस की बात करें तो दोस्तों यह इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा 2 लाख के आसपास आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की अपडेट इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा से जुड़ी हुई। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। नमस्कार।